لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرات محترم تو ساتھ میں اس سال ثواب دی محفل پاک دے اندر حاضر دی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا گو ہاں خالق کائنات مرحومہ دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ نزول فرمائے ملک کائنات انہاں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے حضرت جی وقار وقت انتہائی مختصر ہے میں چند گلاں عظمت والدین تے آپ دی سماعتاں دی نظر کرن دی کوشش کراں گا دعا فرمائیے خالق کائنات میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور مالک کائنات جو کچھ پڑھیا اور سنیا جائے تہانوں تے مینوں مل کے اپنے محبوب دا صدقہ اس دے عمل دی سعادت نصیب فرمائے ٹر جانا ہے تماشے والڑے نے اے میلا بھریا بھرایا ٹر جانا ہے تماشے والڑے نے اے میلا بھریا بھرایا رہ جانے ار تو تے پانی دا اک ਔਰ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਜੰਜਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਏਡੋ
किते गुडियां किते पटोले ने डोली वालियां डोली नो ले जाना ए मेल बैठा बिठाया रह जाने डोली वालियां डोली नो ले जाना पर मेल बैठा बिठाया रह जाने हजरात जी वकार मैं किस डोली जी गल प्या करना ए जनाबे जी गल प्या करना हजरात जरा गौर फरमाओ ए जनाबे वाला कदी बाप बेटे दा जनादा ही उठांदा है ए कदी यार यारा दा जनादा ही उठांदा है ए कदी बेटा मां दा जनादा ही उठांदा है ए कदी सज्जन सजना दा जनादा ही उठांदे ने ए कदी चाचा भतीजे दा जनादा ही उठांदा है ए कदी भतीजा चाचे दा जनादा ही उठांदा है ए कदी मामा भाणजे दा जनादा ही उठांदा है कदी भाण जा मामे दा जनादा ही उठांदा है ए जनाबे वाला जदों जनादा चलदा है ना ए मां घर खड़ी हो के रोंदी है ए मेरे पुत्तर दा जनादा जा रिहा है ए वीर आदा मेरे वीर दा जनादा ए पाप आदा मेरे बेटे दा जनादा ए यार आदे ने मेरे यार दा जनादा ए सज्जन आदे ने यार साडे सज्जना दा जनादा हजरत दी वकार जनादा चलदा चलदा ए कब्रिस्तान दे अंदर पहुंच जांदा है ए जनाबे वाला कारी साहब आ गए आलमे दीन आ गए जनाब जनादा पढ़ाया जाए ए जनादे दी इजाजत हो जांदी है ए कारी साहब जनादा पढ़ा देंदे ने ए फिर जनादे वाली चार पाई उठा के ए कब्र दे करीब रखी जांदी है ए जदों जनादे वाली चार पाई कब्र दे करीब रखी जांदी है ए जनाब आखरी वार आवाजा बुलंद होंदे ए जनाब आ जाए बाप अपने पुत्र दा चेहरा वेखे अजी आ जाए पुत्र मां दा चेहरा वेखे ए सज्जन आ जाए सजना दा चेहरा वेख लैन ए बेली आ जन बेलियां दा चेहरा वेखण हजरत जी वकार गोयार फे खड़ी ए मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह आ फरमांदे ने उस वेले ए बाप दे दिल दी कैफियत यारां दे दिल दी कैफियत ए सजना ते बेलियां दे दिल दी कैफियत ए कुछ इस तरह बणदी है के सारे कहंदे हुंदे ने के लै ओ यार हवाले रब दे ते मिल लै जांदी वारी इस मिलने नो ओ तू याद करे से अते रोसे उमरा सारी ते लै ओ यार हवाले रब दे अते पागियों वसे तबीबां ओ ना वस मेरे ओ ना वस तेरे ते दिती हार नसीबां ओ मिट्टी दा तू मिट्टी होना अते कादी बल्ले बल्ले ओए अज मिट्टी दे ओए उत्ते बंदे आ ते कल मिट्टी दे थले अल्लाहु अकबर हजरत जी वकार असा जाना इस जहान नु छड़ना है लेकिन गौर फरमाओ जदों मां बाप छड़ के जांदे ने कायनात दे अंदर मुड़ गलियां दे कख भी पारे हो जाए इतना अजीम रिश्ता है इतना सोहना और इतना करीम रिश्ता है आओ अल्लाह दे कुरान को पुछिए अल्लाह दे कुरान तू दस ये माँ बाप कितनी अजमत आले ने माँ बाप केड़िया शान आले ने माँ बाप कितने मर्तबे और मकाम आले ने हजरत दे वकार आओ अल्लाह दा कुरान समात फरमाओ खाल के कायनात फरमांदा वकदा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इया हुआ बिल वालिदैन बिल वालिदैन एहसाना हजरत
जी वकारी अल्लाह दा कुरान आंदा मेरा हुक्म है या अल्लाह तेरा की हुक्म है फरमाया जनाब तुसा इबादत मेरी करनी है ये सजदा मेरी बारगाह दे अंदर करना है ये कयाम मेरी बारगाह दे अंदर रकू मेरी बारगाह दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा जदों कयाम कर लो ये जदों सजदा कर लो अर्ज की रब्बुल आलमीन मुड़ की करना है फरमाया वा बिल वालिदैन एहसाना ये तुसा अपने मां बाप नाल एहसान करना है अपने मां बाप दे सामने उचड़ा नहीं बोलना ये मां बाप बुढ़े हो जान इन्हां दे सामने खड़िया हो के सख्त अल्फाज नहीं बोलने अर्ज की मालका किवें बोलने अल्लाह दा कुरान फरमांदा उफ्फिम वला तनहरहुमा एक बारी मोहब्बत नाल आग जा अच्छा मैं अर्ज करता हूं ना कि जदों बंदा इस वाले सवाब दी महफिल तशरीफ लैके आवे ना भावें जिवें दा भी होके आवे पर घरों ते नीयत हुंदी वे चलो जिहड़ा मरण वाला है ना मेरे जान दा उहनूं ते कुछ फायदा नसीब होवे हुण भाई मुहम्मद अली साहब ने इन्हां अपनी वालदा वास्ते इस वाले सवाब दी महफिल पाक रखी है जाहिरी बात इन्हां दा कोई ना कोई मकसद है कि मेरी माँ नूं इहदा अजर मिले मेरी माँ नूं इहदा सवाब मिले इसे वास्ते रखी है ना हुण लगदे रिश्तेदार अजीज़ो करबा तशरीफ लैके आए घरों पता नहीं की नीयत सी कम अज़ कम जदों बंदा इत्थे बैठा होवे पता लग गया वे सरकार दे ज़िक्र दी महफिल पाक शुरू है जदों तुसा सुभान अल्लाह आखणा ते अम्मा जान कबर च राज़ी हो जाणा ते हुण तुसी अपनी मर्ज़ी नाल रखिया हुण नहीं मैं तुहानूं आंदा इस तों बाद लेकिन कोशिश कर लवे क्योंकि जे अम्मा नाल तुहानूं प्यार है ना जी मां नाल प्यार है ते मुड़ तुसा इंशाल्लाह मैनूं उम्मीद नहीं अर थौड़ा नहीं रखोगे हजरत दी वकारी अल्लाह दा कुरान आंदा उफ्फिम वला तनहरहुमा जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन करीम अल्लाह रहीम अल्लाह जनाब आदा मां बाप दे सामने उफ भी नहीं करनी ए मां बाप बुढ़े हो जान हजरत दी वकार इन्हां नाल प्यार ते मोहब्बत नाल पेश होना है आओ करीमा का मदीने दे ताजदार दी बारगाह दे अंदर चलिए अर्ज करिए करीमा मेहरबाना सोहणिया असां अल्लाह दा कुरान पढ़िया है इहदे अंदर मां बाप दीआं बड़ियां शानां लिखियां ने लेकिन करीमा तू भी ते दस मां बाप बाप दी की शान है मां बाप दा मर्तबा ते मकाम की है हजरत दी वकार आओ करीमा का मदीने दे ताजदार हजूर नबी रहमत दी बारगाह दे अंदर ए सहाबा तशरीफ फरमाने ए करीमा का दा एक सहाबी हाजिर होया अर्ज कीती लजपाला मैं मां नाल बड़ी मुहब्बत करना ए मां नाल बड़ा प्यार करना ए मैं मां बाप दी बड़ी इज्जत करना अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब ने फरमाया ए मेरे गुलामा कितना प्यार करना है अर्ज की लजपाला बड़िया मुहब्बत ए बड़ा प्यार करीम फरमाते ने आ मैं तेनू दसना चाहना अगर मां बाप नाल मुहब्बत करना है एदा अजर रब्बे कायनात की अता फरमाएगा अर्ज की करीमा रब्बे कायनात ए मैनू की अजर अता फरमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब ने फरमाया ए मेरे गुलामा सुन लै ए जेड़ा मुहब्बत नाल प्यार नाल इक वारी ए मां बाप दे चेहरे नू तक लैंदा है रब्बे कायनात उहनू मकबूल हज दा सवाब अता फरमा जनाबे वाला मकबूल हज दा सवाब मिलदा है उहनूं मकबूल हज दा सवाब दिता जांदा है हजरत दी वकार करीमा कन नाल प्यार करन वालियो ए दूसरा सहाबी उठ अर्ज कीती करीमा अगर कोई दो वारी तक लवे अगर कोई त्रै वारी तक लवे मुख्तसर के करीमा का फरमांदे ने ऐ सहाबा कोई सौ वारी भी तक लवे रब्बे कायनात उहनूं सौ हजां दा सवाब अता फरमा अगर मां बाप टुर जाना लखां ते करोड़ां दे घाटे ने ए मां बाप घर बीमारी होवन ए चार पाई ते लेटे होवन हजरात पुत्र सवेरे सजदे सरकी वेले उठे ए उठ के मुंह धो लवे ए मुंह धो के जनाब बाबे दा चेहरा तके ए बुढ़ी अम्मा दे मां दे चेहरे ते निगाहां मुहब्बत नाल पा लवे हजरात जी वकार मन रब्बे कायनात ए मकबूल हज दा सवाब अता फरमा देंदा है लेकिन जदों मां बाप चले जांदे ने ए जदों वाले दैन छड़ के चले जांदे ने हजरत जी वकार मुड़ हजां दे सवाब मुक जांदे ने ए हजां दे सवाब खत्म ही हो जांदे ने लेकिन आओ ना करीमा का मदीने दे ताजदार हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ए जनाबे वाले कब्रिस्तान दे विचों गुजरे ने अल्लाह दे हबीब मदीने दे ताजदार ए जनाबे वाले कब्र ते रुक गए अल्लाह दे हबीब जदों रुके ने करीमा का दे गुलाम अर्ज करदे ने करीमा क्यों रुक गए ए नबी रहमत की वजह
सजा बनी है। अल्लाह दे नबी क्यों रुक गए हो? अल्लाह दे हबीब फरमाते ने मेरे सहाबा इस कबर विचों मैनू आवाज आउंदियां ने, एक कबर वाला कहंदा मावां बड़ियां रहीम हुंदियां, कबर वाला याद है मावां बड़ियां करीम हुंदियां ने, अगर मावां माफ कर देन रब भी माफ फरमा देंदे। अल्लाह दे हबीब ने फरमाया सहाबा तुहाडे विचों किसे नूं पता होवे इहदा रिश्तेदार कौन है, इहदे नाल ताल्लुक रखण वाला कौन है? सहाबीए रसूल अर्ज करदा करीमा लजपाला ए मेहरबाना सोने वदुहा दे चेहरे वाले आओ, ए मजाक दे नैना वाले आओ, ए करीम नबी जी मैं जानना एक बुढ़ी अम्मा सोटी दे सहारे ते चलदी चलदी ए रोज इस कबर ते आउंदी ए, ए रो के वापस लौट जांदी ए। अल्लाह दे हबीब ने फरमाया जाओ मेरे गुलामा चाहे उस अम्मा नूं बुला के लै आओ। हजरत जी वकार सहाबीए रसूल चलदा जांदे ए नाले अखां दे विच आंसू ने, मैं आख्या करीम आका दे गुलाम रोंदा क्यों है? आख्या मैं रोवां क्यों ना, एक कायनात अंदर किसी नूं एमपीए दा सनेहा मिल जाए, एक किसी नूं एमएनए दा सनेहा मिल जाए, एक किसी नूं थानेदार दा सनेहा मिले, एक किसी नूं वजीर दा सनेहा मिले, एक किसी नूं सदर दा सनेहा मिले, हजरत जी वकार उहदे कदम जमीन ते नहीं लगदे। उह आखदा जनाब मेरे वर्गा कायनात च कोई नहीं, ए मेरे वर्गा कायनात अंदर कोई नहीं, पर मैं उस अम्मा दे मुकद्दरां ते नाज़ पिया करना। ए अम्मा ओह वे जिन्हों रब दे यार ने याद फरमाया है। अल्लाह दे हबीब ने याद कीता है, मदीने दे ताजदार ने याद फरमाया है। हजरत जी वकार करीम आका मदीने दे ताजदार दा गुलाम ए चलदा चलदा बुढ़ी अम्मा दी झोंपड़ी दे ए दरवाजे ते गया है। ए जदों दरवाजे ते पहुंचे है आवाज दी अम्मा जान जरा बाहर आना, ए अम्मा जी जरा बाहर तशरीफ लैके आना। अम्मा जान सोटी दे सहारे ते ए चलदियां चलदियां बाहर आईयां ने, फरमाया बोल पुत्रा किवें आए? अर्ज कीती अम्मा जान मैं आप नहीं आया बल्कि रब दे यार ने घलिया है। मदीने दे ताजदार ने भेजे नबीए रहमत ने घले। हजरत दी वकार करीम आका दा जदों पैगाम सुनिए अम्मा दियां अखां विच आंसू आ गए, अम्मा रोण लग पई, फरमाया मैं कमली को जी। ए करीम नबी ने याद फरमाए, अल्लाह दे महबूब ने याद फरमाए, फरमाया हाँ अम्मा ए तैनूं रब दे यार ने याद फरमाए। ए बुढ़ी अम्मा सोटी दे सहारे ते चलदी चलदी अल्लाह दे हबीब दी बारगाह दे अंदर हाजरी होई। ए मदीने दे ताजदार दे जनाबे वाला मुहब्बत और प्यार दी वजह तो अपने सिर तो दुपट्टा उतारन लगी है, ए सरकार दे कदमां ते रखन लगी है। ए नबी रहमत फरमांदे ने नी अम्मा इस दुपट्टे नु अपने सिर ते लै लै क्योंकि मैं मावां दे दुपट्टे ए पैरां विच रोलन नहीं आया बल्कि मैं ते मावां नु इज्जत देण आया। हजरत जी वकार करीम आका फरमांदे ने नी अम्मा मैं मावां दे दुपट्टे पैरां विच रोलन नहीं आया बल्कि मैं ते मावां नूं इज्जत अता फरमाण आया। ए करीम आका मदीने दे ताजदार ने फरमाया ए अम्मा बोल इस कबर वाले नाल तेरा की ताल्लुक है? अर्ज कीती करीमा मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ए मेरा लखते जिगर जवानी दे अंदर विशाल कर गया, ए मेरे दिल दा टुकड़ा है सोहणिया। ए करीम नबी जी हुक्म ही होवे की गल? अल्लाह दे नबी ने फरमाया नी अम्मा जरा दस दे सही एदा ते तेरा ताल्लुक कैसा सी, एदे ते तेरे मामला ते जिंदगी कैसे गुजरे ने? अर्ज कीती सोना नबी मैं दसना चाहनी हां एदी उम्र छोटी जई सी, एदा बाप इक जंग दे अंदर गया शहीद हो गया, ए मेरा जवानी दा आलम है, ए मैनू रिश्तेदारा मशवरा दिता ए जनाबे वाला दूसरी शादी कर लै, पर जदों मैं अपने बेटे वल वेखिए ए करीमा मैं अपनी जवानी भुल गई, मैं अपनी ख्वाहिशात भुल गई। ए करीम नबी मैं रिश्तेदारा नूं पिछे कीता, मैं अपने मां बाप भैन भाइयों नूं पिछे कर दिता। मैं आख्या नहीं नहीं ए मेरी औलाद रुल जाएगी, ए मेरी औलाद कायनात दे किवें धक्के ठेडे खाएगी। ए करीम नबी मैं लोगों के कम करने, ए लोगों के घर के अंदर जाना, ए लोगों के कम करके ताने बर्दाश्त करने, ए जदों शाम नूं थकिया घरे आउणिया ए करीम नबी मैं पुत्र नूं सीने लाना, ए सारे दिन का थकेड़ा उतर जाना।
अल्लाह दे हबीब दी अखां विच आंसू आ गए। अल्लाह दे हबीब फरमांदे ने अम्मा फिर की आना, अर्ज कीती करीमा फिर मैं माल कमाना पैसा कमाना, आ फटे कपड़े पाने पर पुत्र नूं नवे कपड़े लैके देने। ए करीम नबी आप टुटी जुत्ती पा लैनी लेकिन पुत्र नूं नवी लैके देनी। ए करीमा वेला लंघदा चला गया फिर जवानी दा आलम आए, ए मैं जनाबे वाला बुढ़ापे वाले आना शुरू हो गई। अल्लाह दे हबीब फरमांदे ने अम्मा मुड़की होए, ए करीम नबी मदीने दे ताजदार दी बारगाह दे अंदर। ए करीमा आका दी गुलामा अर्ज करदी है, करीमा ए मुड़ मेरे दिल ने मेरी मोहब्बत ने ए जनाबे वाला आख्या मेरे पुत्र दी शादी होना चाहिए, ए मेरे बेटे दी औलाद ही होवे, ए मेरे बेटे दी औलाद होगी मैं ओदे नाल प्यार करांगी। आ फरमानियां मैं पुत्र दी बड़िया चावां दे नाल शादी कीती, ए बड़िया मोहब्बतां नाल शादी कीती लेकिन एक दिन मेरे ते क्यामत टुट पई। ए करीम नबी मैं अपने कमरे दे अंदर सुती हाँ, ए सर्दी दियां लंबियां रातां ने। ए करीम नबी अपने कमरे दे अंदर पई आराम करनी हाँ, इंज करके धर्म मेरे कमरे दा दरवाजा खुलिया, ए मेरा जवान पुत्र कमरे दे अंदर दाखिल होए। उन्हें मैनू आख्या नहीं अम्मा उठ मैनू तेरे नाल कम है, ए अम्मा जान ही उठो मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना, बल्कि बड़े गुस्से दे नाल मेरे बाजू तो पकड़ गए। आदा अम्मा तेरा ते मेरा ताल्लुक खत्म ही हो गया, ए तेरी ते मेरे रिश्तेदारी खत्म ही हो गई, अज तो बाद ही अम्मा तेरा इस घर दे नाल ताल्लुक नहीं। ए मेरिया अखां विच आंसू आ गए, मैं क्या बेटा होया की है, अर्ज की अम्मा तू मेरी बीवी नू तंग करनी है, ए मेरे बच्चियां नू परेशान करनी है। ए करीमा का मदीने दे ताजदार दी अखां विच आंसू ने। अल्लाह दे हबीब फरमांदे ने अम्मा फिर की होया, अर्ज की करीमा मुड़ की होना सी, इस नौजवान ने मैनू कमरे विचों कढ़िया है, ए परले दरवाजे ते लिया के बिठा दिता, ए मैं हथ जोड़े, ए पुत्रा अज दी रात मैनू घर दे अंदर रह लैण दे, सवेरे जिथे आखेंगा मैं चली जावांगी, लेकिन बेटा जल्दी दे नाल घर गया मेरे कपड़े लिया के, ए कपड़िया दी गठड़ी मेरे सामने सुट दे। कहंदा जा अम्मा चली जा, अज तो बाद इस घर वापस लौट के नहीं, अज तो बाद इस घर वापस लौट के नहीं आना। अल्लाह दे हबीब दी अखां विच आंसू आ गए। करीम फरमांदे ने अम्मा मुड़ की होया, अर्ज कीती सोणिया की होना सी, मां सा ना बददुआ नहीं दित्ती, इतनी ख्वाहिशात नूं कुर्बान करन तो बाद भी की कीता है, बददुआ करीमा नहीं दित्ती, बस दिल टुट गया। जदों दिल टुटिया करीमा झोंपड़ी ला ली, रोजाना पुत्र नूं काम ते जांदी वारी भी वेखणा ते आउंदी वारी भी वेखणा, रस्ते ते जो बैठी सी जिंदगी गुजरती गई, पर एक दिन ते एडी क्यामत मेरे ते डिगी है करीमा, मैनू पता चलिया मेरा बेटा विशाल कर गया। करीम नबी फरमांदे ने अम्मा जरा इस कबर दे करीब होवे ना, सरकार फरमांदे ने इस कबर दे करीब हो, ओ मां कबर दे करीब हुई ते सरकार फरमांदे ने जरा कान भी करीब कर। हजरात जी वकार बुढ़ी मां ने जदों कन करीब कीता अंदरों आवाजा आउंदियां ने, मावां ते बड़ियां रहीम हुंदियां ने, ए मावां ते बड़ियां करीम हुंदियां ने, अगर मावां माफ कर देण ते रब भी माफ फरमा छड़दा। अल्लाह दे हबीब ने फरमाया नी अम्मा इस तेरे पुत्र ते अजाब नाजल हो रहा है और तू नाराज है, इस वजह तो अजाब नाजल हो रहा है। करीम आका दी गुलाम अर्ज कर दी, करीमा तुसी भी गवाह हो जाओ, ये तुहाडे गुलाम भी गवाह हो जान, मैं अपने पुत्र नूं माफी अता फरमा छड़ी, क्योंकि मावां मुड़ मावां ही हुंदियां ना, मां ते मां ही है, जितनी भी तकलीफ दे लो मां मुड़ मां ही है, मां ते बड़ी जल्दी राजी हो जाती है। इसे वास्ते आजम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कमाल फरमा दिता, फरमांदे ने के मावां दे दिल नरम गुलाबों ते कद करण कबो जुदाई वार देवणे ए कुल जहां दे खजाने ते कर लैण कबूल गदा। हजरत इधर मां ने माफ कीता है, उधर रब ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम नु गलिया, जिब्राइल जा मेरे महबूब दी बारगाह दे अंदर, अर्ज की मालिक की आखना, फरमाया जा मेरे महबूब नु आख दे के सोनिया जे मां माफ कर छड़िया इनू रब भी माफ फरमा छड़िया। यारो जे मां नाल मोहब्बत करनी है ना तो सच्ची मोहब्बत फरमा, ये रिश्ता ही बड़ा अजीब है, ये बड़िया मोहब्बत वाला रिश्ता है, बड़े प्यार वाला रिश्ता है, ये जवानी जिहड़ी है ना जवानी ये बड़ी मस्तानी होंदी, सुनिया मस्तानी बड़ी होंदी,
पर जवानी दे माण च किधरे मां बाप दा दिल नहीं दुखाना। मां बाप नूं दुखी नूं कई मरतबा ऐ गुफ्तगू हुंदी ने ते बुढ़ड़ा बाप बैठा है बुढ़नी मां बैठी ना जनाब ते अक्सर औकात जवान पुत्रां दा तैनूं मुड़ की पता तू चुप कर सी जो करदे पए अल्लाह अकबर। वो जिस मां जिस बाप तैनूं बोलना सिखाया वो तैनूं ते बोलना तैनूं किथे बोलना हुंदा सी तैनूं किथे चलना हुंदा सी बाप तेरी उंगली पकड़ के तैनूं दस्या कि इंज चलना है। बाप तेरे नाल हजार हा मरतबा गल्लां करके तैनूं दस्या मेरा पुत्तर इंज बोलना है ऐ लफ्ज़ कढ़ने ने ऐ तेरी तरबीयत है। जिस बाप और जिस मां ने तैनूं चलना ते बोलना सिखाया है अज जबान भी तेरी उन्होंने सामने चलती है। हजरात मोहतरम जवानी दे माण दे अंदर ना एक जवान मां दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया अर्ज कीती अम्मा मैं तेरा हक अदा करना चाहना की करना चाहना अल्लाह पुत्र जवान है मान बड़ा मेरे को जवानी मेरे को पैसा मेरे को जाओ जलाल मेरे को जायदादा ने मां जो मंगेगी मैं अता कर दिया आख्या पुत्रा मेहरबानी कर तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता तू नहीं करके नहीं कर सकता। अम्मा आख्या अब पुत्र आदा अम्मा किमें दी गल मंग की मंगनी मां आख्या पुत्रा होर कुछ नहीं मंगती बस अज की रात औलाद के कमरे च नहीं सौना अज की रात तू मेरे कमरे च सौना है। मां ने होर की मंगना है मावा मंगन वास्ते नहीं आईया मावा ते देन वास्ते आईया मावा ते अपना सब कुछ औलाद ते कुर्बान किया ना। हजरात गौर फरमाइए मां क्या पुत्रा मैं ते तू होर कुछ नहीं मंगदी अज रात तू अपने कमरे विच नहीं सोना अज जरा बीवी नूं आखी तेरा बिस्तर मेरे कमरे च बिछा दे। बेटे आख्या अम्मा मंगिया भी ते की मंगिया और मेरे को कुछ मंगती तो सही पैसे मंगती जनाब माल मंगती जर मंगती जायदाद मंगती मेरे को इतना माल जर है मैं कितने लेके जाना तो एक बार मंगते सही पर मैं बस पुत्रा मैं तेरे को यही चाहिए कि आज दी रात तू मेरे कमरे च आखिया अम्मा चलो तुहाडी जिद दे ते मैं अज भी कम तो जाती वारी भाई अज तुसा मेरा बिस्तर मां दे कमरे च लाना है। बिस्तर की करना है मां दे कमरे च आखिया ठीक है जनाब। रात जो पुत्र थकिया आया ना घर काम दे मामलात परेशानियां सारे सिलसिले चो निकल के जदों घर तशरीफ लेके आया अगे बिस्तर मां दे कमरे च लगा मां दे कमरे च दाखिल होया मां आख्या पुत्रा हक अदा करना चाहना अर्ज की जी अम्मा फरमाया फिर उठ मैनू एक गिलास पानी दा दे दे। अम्मा की मंगनी है कदी आदी है रात मेरे कमरे च रहो कदी आनी है पानी दा एक गिलास फरमाया बस पुत्रा होर तू की कर सकदा तू एक गिलास पानी अता फरमा दे। पुत्र बड़ा चाई चाई मुहब्बत नाल जनाब गया जिन्हों पता है कि माफी लभ जानी ना हक ते अदा हो जाना एक गिलास पिया देना जो तो मां जो आदि पितू मेरा हक अदा कर चले ते लिहाजा बड़ा चाई चाई ते बड़ी मुहब्बत नाल गया पानी गिलास दा भरिया जनाब तशरीफ लैके आजी अम्मा जी लो जी अम्मा जी ने गिलास पकड़िया एवं दो गुट भरे सर्दी दियां रातां सन बिस्तरा विछिया सी तुलाई ते इंज करके ना पानी रोड़ दित्ता। पुत्र बड़ा गुस्से दे अंदर आया बेटा खामोश हो गया अर्ज की जी अम्मा जान मैं तेरा हक अदा करना चाहना मैं चाहना के मैं तेरा हक अदा कर देवा। हजरात जी वकार जदों मां ने गल की पुत्र उस किले बिस्तरे ते लेटे हजरात पर अज पुत्र नु काफी देर तो बाद नींद आई ये क्योंकि जनाब बिस्तरा गिला सी गर्म ही हुंदे आउंदियां ये बड़ी देर लग गई पर अज कमाल ते पुत्र आराम नाल सुता है पर मां नु नींदर नहीं आउंदी मां कदी सज्जे पासा पलट दिए कदी खब्बे पासा पलट दिए जनाब कदी उठ के बह जांदी है आए मेरा शहजादा किवें गिले बिस्तरे दे अंदर आराम करदा होवेगा ए किवें अज मेरा पुत्र गिले बिस्तरे दे अंदर सौंदा होवेगा। हजरात दी वकार वेला गुजरदा गया ए जदों ही अद्धी रात दा वेला आया है इंज करके मां ने पुत्र दे सिर ते हथ रखे फरमाया बेटा उठे ना ए पुत्र हड़बड़ा के उठे परेशानियों के उठे अर्ज कीती अम्मा जान काफी देर तो बाद जागे ए हुण नींद आईए अम्मा मुड़ जगा छड़ी अम्मा फरमांदियां ने पुत्रा हक नहीं अदा करना चाहुंदा अर्ज कीती जी अम्मा जान मैं तुहाडा हक अदा करना चाहना ए अम्मा जी मैं तेरा हक अदा करना चाहना। हजरत जी वकार करी मां का नाल मुहब्बत करन वाले हो ए जदों इतनी गल कीती ए बेटा यान है ए अम्मा जान बोलो की हुक्म है। हजरत जी वकार माया दी ए पुत्रा होर कुछ नहीं चाहिदा ए बस तेरे कोलो मैनु एक गिलास पानी दा चाहिदा है। की बने
हजरत जी वकार करीमा का मदीने दे ताजदार नाल मुहब्बत करन वाले हो, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल प्यार करन वाले हो, ए माया दिए पुत्रा होर कुछ नहीं चाहिदा, बस एक गिलास पानी दा चाहिदा है। इधर बेटा अर्ज करदा है, अम्मा मंगिया ते की मंगिया, अगर मेरे को जायदाद मंगदी पैसा मंगदी ए मेरे को जाहो जलाल मंग लैंदी, ए मैं तैनु सब कुछ अता फरमा देंदा। ए माया दिए पुत्रा नहीं नहीं तू कुछ नहीं दे सकदा, बस एक गिलास पानी दा चाहिदा है। हजरत जी वकार बेटा खुशी दे नाल उठिए, ए दौड़ के गया है पानी दा गिलास भरे है, ए मां दी बारगाह दे अंदर पेश कर दिता। हजरत जी वकार मां ने एक घुट भरे है, ए बाकी मां दा बचिया पानी ए जनाब बिस्तरे ते उंडेल दिता, बिस्तरे बिस्तरे ते रोड़े है, ए जदो बिस्तरे ते पाया है ना ए पुत्र नूं बड़ा गुस्सा आया, गया मां जान अगे अद्धी रात तो बाद नींदर आई, ए जद लम्हात सुता मुड़ जगा दिती, ऐ अम्मा मुड़ मेरा बिस्तरा गिला कर दिती, माया दी ए पुत्रा मेरा हक नहीं अदा करना चाहता, अर्ज कीती जी अम्मा मैं तेरा हक अदा करना चाहना। हजरत जी वकार पुत्र नूं आख्या, पुत्रा अगर मेरा हक अदा करना चाहना है ए तेनू गिले बिस्तरे ते आराम करना पवेगा। हजरत जी वकार नौजवान उस बिस्तर ते लेटे, पर काफी देर तो बाद ए जाके नींदर आ गई, पर जनाब नौजवान बेटा ते सो गए, पर अज बुढ़ी मां नूं नींदर नहीं पैंदी, ए मां कदी सज्जे पासा पलटदी है, ए कदी खब्बे पासा पलटदी है, कदी उठ के बैंदी है, कदी कमरे दे अंदर चलदी है, हाय मेरा बेटा किवें गिले बिस्तरे दे अंदर आराम करदा होवेगा। हजरत जी वकार फिर तहज्जुद दा वेला आए, ए मां ने पुत्र नूं पकड़िया है, उठा के कहंदी है पुत्रा जल्दी नाल उठे ना, ए बेटा गुस्से दे अंदर आके अर्ज करदा है, अम्मा ए कुछ ते ख्याल कर लैंदी, ए सारी रात मेरी नींद पूरी नहीं होई, ए सारी रात तू मैनू कदी उठा देनी है, ए कदी फिर मैनू उठा देनी है। फरमाया बेटा हक अदा करना चाहना है, अर्ज कीती जी अम्मा जान हक अदा करना चाहना। फरमाया बेटा फिर एक गिलास पानी दा चाहिदा है, अर्ज कीती अम्मा जान पानी मंगदियां हो। फरमाया जी बेटा प्यास लगी है। हजरत जी वकार नौजवान दौड़ के गए, ए पानी दा गिलास भरिया मां दी बारगाह दे अंदर पेश कर दिता। ए जदो मां दी बारगाह दे अंदर गिलास पेश कीता है, हजरत जी वकार जरा गौर फरमाना, ए मां ने एक घुट भरे है, बाकी बचिया पानी पुत्र दे कपड़िया ते रोड़ दिता। इधर पुत्र आंदा है, अम्मा लगता है पागल हो गई है, अम्मा तेन अकल नहीं रह गई, अम्मा जरा ख्याल कर लैंदी, ए सारी रात गिले बिस्तरे दे अंदर आराम कीते, हुण मेरे तो कपड़े गिले कर दिते ने। मां दी अखां विच आंसू आ गए, मां रो के कहंदी है पुत्रा तेनू ही वेला भुल गए, तेनू ही वक्त भुल गए, तेनू ही वेले भुल गए। अर्ज कीती अम्मा केड़े वेलिया दी गल्लां करदी है, ए केड़े वक्त दीआं गल्लां करदी है। हजरत जी वकार माया दी पुत्रा जरा गौर करना, ए जदों तेरा हमल ही होया ना, ए मैं डाक्टर दे कोल चली गई, डाक्टर आदा तत्ता नहीं खाना, ए तेरी मां ने कदी तत्ता नहीं खाता, ए डाक्टर आदा नहीं अम्मा ठड्डा नहीं खाना, ए तेरी मां ने कदी ठड्डा नहीं खाता, डाक्टर आदा पासा पलट के नहीं सोना, ए तेरी मां कदी 9 महीने पासा पलट के नहीं सुती। ए मेरे लाल जरा गौर करना, ए मैं अपनी जवानी ते खेल के, ए मैं अपनी जान ते खेड़ के तेनू जन्म दिता है, अपनी जान ते तकलीफां बर्दाश्त करके, ए मेरे शहजादे जदों मैं तेनू जन्म दिता है, ए मैं राजी हो गई, रब्बे कायनात ने मैनू बेटा अता फरमाया, रब्बे कायनात ने मैनू शहजादा अता फरमा दिता, ए मैं बड़िया चावां दे नाल तेरी तरबीयत की, ए बड़िया मुहब्बतां दे नाल तेरी तरबीयत की है, ए मेरे शहजादे तेरी ओ भी वेला याद नहीं, ए मेरे शहजादे मैं तेनू साफ पई करदी सां, ए तू बिस्तरे ते पेशाब कीता है, ए मैं तेनू साफ पई करदी सां, अचानक तू पेशाब मेरे चेहरे ते कीता है, ए ते पानी है ना, ए ते पानी है, ए मेरे शहजादे आ ना तू पागल हो गई है, पर पुत्रा तेरा पेशाब मेरे चेहरे ते आया है। मैं नहीं आख्या मेरा पुत्र पागल है, ए मैं नहीं आख्या मेरा पुत्र पागल है, बल्कि मैं पढ़नी हां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आख्या पुत्रा मैं ते नहीं ना इंज आख्या, शहजादिया गौर ते कर,
अर्ज़ की जी अम्मा। फरमाया पुत्रा मुड़ ख्याल कर जदों मैं बिस्मिल्ला पढ़नी हाँ जदों मैं बिस्मिल्ला रहमान रहीम पढ़नी हाँ मैं तेन मारिया भी नहीं मैं तेन दुख भी नहीं दिता मैं तेन तकलीफ भी नहीं दिती बल्कि मैं मुहब्बत नाल सीने ला के तेरा भोसा लैके आखे ऐ मालका मेरे पुत्र नू हिदायत देवी ऐ मालका मेरे पुत्र नू लम्मियां जिंदगियां देवी ऐ रब्बुल आलमीन मेरे पुत्र दे मामला दे अंदर आसानी अता फरमावी मैं तेन दुआवां दित्तियां ने हजरत जी वकार बेटे दियां अखां विच आंसू आ गए ए बेटा रो के मां दियां कदमां दे अंदर डिगे अर्ज कीती अम्मा मैं जान भी दे देवां पर अम्मा मैं तेरा हक अदा नहीं कर सकदा। इस वास्ते सानू कोशिश करनी चाहिए कि असी मां बाप का अदब करिए मां बाप का एहतराम करिए मां बाप नाल मुहब्बत करिए मां बाप ए भाई बुढ़े हो जाण ए ना होवे कि बाप दवाई वास्ते तरसदा होवे मां बुढ़ी होवे ए ना होवे कि घर मां बीमार पई है ते बाहर पुत्र जनाब मामला ते जिंदगी दे अंदर इतना मसरूफ होवे कि मां उड़ीक दे अंदर विशाल कर जाए। कई मावां नूं वेख्या कसम बा खुदा उड़ीक दियां ने कि मेरा पुत्र घर आ जाए चलो मर्दी वारी मैं पुत्र दा मुंह ते वेख लवां। कई मावां नूं वेख्या कई बाबियां नूं वेख्या जनाब मैं कई मरतबा रस्ते दे अंदर लंघी ना ते 80-90 साल दा बाबा होवे ना ते सिर ते पट्ठियां दी पंड चाई पुछिए बाबा की गल ए तेरे ते हुण खा बह के खाण दा वेला सी पर हुण वी काम जणे पुत्रा की तैनूं दसां औलाद जो ना फरमान होगी भाई इन्हां नूं बिठा के खिलाओ इन्हां नाल मुहब्बत फरमाओ। अल्लाह भी याद है अल्लाह दा रसूल भी याद है पर एक गल याद रखनी है आखिरी बात है एक बात याद रखनी है कि जे अगर तुसी अज मां बाप दा अदब नहीं करोगे कल नूं तुहाडी औलाद भी तुहाडा अदब नहीं करेगी। बस एक गल ज़हन च रखनी है ते मुड़ वेख लेना है जे अगर असी अदब कराना चाहते हैं तो मुड़ हक बनता तुसी भी अदब फरमाओ। जे अगर तुसी चाहते हो बुढ़ापे दे वक्त असी मोहताज हो जाइए साड़ी औलाद साडे नेड़े ना लगे साडे कोल पानी ना पुछे साडे कोल खाना ना पुछे तो समझो मुड़ तुहाडी अपनी मर्जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ है दौरान गुफ्तगू कोई लफ्जी या मानवी गलती मालिक अपने हबीब दा सदका माफी अता फरमाए और खाल के कहना भाई मोहम्मद अली दी वालदा मोहतरमा दी कबर ते करोड़ा रहमतां दा नज़ुल फरमाए मालिक कायनात उन्हां दी कबर नूं नूरन अला नूर फरमाए आमीन व आखिर दावा या अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।